ये एक हमारी फिल्म है दुल्हन के नाम से, और इस फिल्म के गीतकार जो आज रिकॉर्ड हुआ है वो नौशाद खान है, और काशीनाथ यादव जी जो पूर्व MLC रहे हैं और हमारे फिल्म के निर्माता भी हैं। इसके अलावा और भी इसमें गीतकार हैं, प्यारेलाल कवि जी हैं, और आज जो गीत रिकॉर्ड हुआ है वो अलका झा जी की आवाज़ में हुआ है और हमारे बड़े भैया काशीनाथ यादव जी की आवाज़ में, और ये नाजिया है नाजिया चाहत की आवाज़ में। किस तरह का गाना है ये? एक सैड रोमांटिक टाइप का गीत है, झुलनिया के तार बलमू। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस गाने के बारे में? दुल्हन भोजपुरी फिल्म के माध्यम से हम समाज की बुराइयों को दूर करके और भारतीय संस्कृति के अनुसार, सभ्यता के अनुसार अपने आचरण और चरित्र को बनाने के लिए हमने हर पात्रों को उचित स्थान दिया है। यह दुल्हन फिल्म गांव गवई की कहानी है, और इसमें अगर हम बम्बई में विकास करें तो उस विकास का कोई मतलब नहीं छोटे विकास का, लेकिन अगर वही विकास अगर गांव में करते हैं तो एक गांव का विकास हो जाता है। इस दुल्हन फिल्म के अंदर गांव के विकास के लिए उस गांव के लोग चाहते हैं एक नया आदमी कुछ कर दिखाने की तमन्ना है उसके दिल के अंदर, उस गांव का विकास करना चाहता है, लेकिन समाज में नफरत फैलाने वाले लोग अपने दबदबा से चाहते हैं कि इस गांव का विकास न हो, क्यों ताकि विकास के अभाव में इस गांव के लोग हमारे गुलाम बन करके रहें। लेकिन एक नौजवान अपनी पढ़ाई लिखाई का समुचित प्रयोग करके हिम्मत करता है कि इस गांव में विकास करेंगे, अंजाम ठीक है उसका बुरा होता है कि उसका अंत हो जाता है उन आतताइयों के द्वारा। इसके बाद कोई भी कहानी वही होती है, अंत भला तो सब भला, कि किसी भी कहानी के किसी भी फिल्म के अंत में सामाजिक चेतना और सामाजिक जागृति पैदा हो, तो इस फिल्म के माध्यम से हम अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए नौजवानों को, जिम्मेदार लोगों को सतत प्रयास करना चाहिए, चाहे वो पुरुष हों चाहे महिला हों। बखूबी इस भोजपुरी फिल्म दुल्हन में चित्रित किया गया है। इसके अलावा आज क्योंकि सॉन्ग रिकॉर्ड हो रहा है तो इस फिल्म में कितने गाने होने वाले हैं, और आज जो रिकॉर्ड हो रहा है उसको किस तरह से फिल्माया जाने वाला है? भाई कैसे गाने होने चाहिए ये तो फिल्म के छायांकन के हिसाब से गाने की रिकॉर्डिंग होती है। आज गाने की रिकॉर्डिंग हुई है और इस गाने पर कहीं दूसरी जगह पर कहीं इसके लायक सिचुएशन देख करके गाने का फिल्मांकन होगा। हमारी कलाकार के द्वारा जिनका नाम है, उसमें नाम यामिनी सिंह जी हैं, सैफ कबीरा हैं, और अयाज खान साहब, संजय पांडे जी, कई कलाकार ऐसे हैं जिनका भोजपुरी दुनिया में नाम है, और ये भाषा भोजपुरी है जो अपने अंदर शब्दों को, वाक्यों को, अगर अंग्रेजी आप देखें तो अंग्रेजी में आप, इतनी गरीब अंग्रेजी भाषा है कि अंग्रेजी में केवल यू शब्द है, चाहे आपके लिए कहिए चाहे तुम के लिए कहिए। हिंदी में केवल दो शब्द हैं, यू कहिए, आप कहिए चाहे तुम कहिए, लेकिन भोजपुरी रउआ, राउर, रउरा, आप, ये सारी चीज़ें जो भोजपुरी भाषा अपने शब्दकोश में रखी है, ये भाषा भोजपुरी है, एक समझल जरूरी है,
ये औरी कुछ हो ना हो करेजा में चले वाली छुरी है। भोजपुरी भाषा के विकास के लिए अच्छी फिल्मों को दर्शकों के बीच में लाया जाए, यह प्रयास हम लोगों का है और हम चाहेंगे कि आप भी इसमें सहयोग करेंगे। इसलिए कि आजकल जो पश्चिमी परिवेश हमारे देश में हमारे नौजवानों के बीच में घर कर रहा है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में हम नैतिक पतन की ओर चले जाएंगे। इसलिए इसको रोकने के लिए हम भारत की संस्कृति को, हम भारत के उस धरोहर को, भारत के उस परंपरा को जो हमारी परंपरा के कभी दुनिया दीवानी थी, हम चाहते हैं कि वापस कर दें। अगर नहीं वापस करेंगे, आपने देखा और देख रहे हैं जैसे जैसे आदमी मरता है वैसे वैसे अन्न भी मरते हैं। सावा मर गया, कोदो मर गया, मड़ुआ मर गया, टांगुन मर गई, ये सारे अन्न मर गए इसलिए कि लोगों ने प्रयोग करना बंद कर दिया। जिस तरीके से पेड़ पौधे मर जाते हैं, आदमी मर जाता है, वैसे शब्द भी मर जाते हैं। अगर हम भोजपुरी भाषा के उन शब्दों को इकटा, इकिटी, सोरहिया, बरहिया, ये क्या चीज़ें थी, अगर इनको हम छोड़ देंगे तो आने वाली पीढ़ी जानेगी ही नहीं कि बरहिया क्या होती थी, सोरहिया क्या होती थी। वो तो ताश खेलने में अपने जीवन को बर्बाद कर देगी। इसलिए हर क्षेत्र में विकास हो, भोजपुरी भाषा का भी विकास हो, ताकि भोजपुरी भाषा का सम्मान रहे और लोग इसे अच्छे नज़रिए से देखें। दुल्हन की कहानी को बड़े ही सुचारू ढंग से लिख करके और उस कहानी को जीवंत रूप देने के लिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनका अनुसरण करके अपने भविष्य को बना सकें, अपने मंजिल को प्राप्त कर सकें, हर क्षेत्र में विकास हो सके, इसी उद्देश्य को लेकर के यह फिल्म बनाई जा रही है। ओके, नमस्कार आप सभी को, मैं हूँ सिंगर अलका झा और आज बहुत ही प्यारा सॉन्ग एबी स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ है। फिल्म का नाम दुल्हिन है और मेरा बहुत ही प्यारा सॉन्ग जिसके म्यूज़िक डायरेक्टर नौशाद अली राहत जी हैं और बहुत ही प्यारा लविंग सॉन्ग है, वो रिकॉर्डिंग की है मैंने। थैंक यू सो मच। गाना भी और इस शुभ घड़ी में आपका फिल्म का मुहूर्त भी आज हुआ है, मैं चाहूँगा कि अपने दर्शकों को थोड़ा कुछ गाने को मना के सुनाया जाए। बिल्कुल, सबसे पहले तो सभी को दीपावली की और छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि हमारे बिहार का छठ बड़ा ही फेमस है। तो मेरी आने वाली एक हिंदी फिल्म वैसे आई थी जय छठी माँ, टी सीरीज से आई थी, मैं उसका दो लाइन छठ सॉन्ग गुनगुना देती हूँ। करब पूजा हम छठे माए के, कृपा करी हैं छठी माए, कृपा करी हैं छठी माए, करब पूजा हम छठी माए के, कृपा करी हैं छठी माए। थैंक यू सो मच। यस सर, क्या कहना चाहेंगे आप? यूपी है, फिल्म की शुभकामनाएं दीजिए, जो कुछ नहीं बोलेंगे तो। फिल्म की तो शुभकामनाएं हमेशा रहेंगी, रहेंगे नहीं है, सामने है आज। बिल्कुल, बहुत ही प्यारी फिल्म, इधर बोलिए, दुल्हिन को, दुल्हिन को सर की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स। हाँ, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं कि ये फिल्म सुपर से सुपर हिट, सुपर से सुपर हिट हो, क्या बात है। चलिए नौशाद जी, अब आप आइए। का काम जो होता है वो प्री प्रोडक्शन का काम होता है, तो इसलिए जो है संगीत का काम तो पहले ही ख़त्म हम कर चुके हैं और लगभग इसमें जितने भी गाने हैं कंप्लीट हो चुका है, बस दो तीन गाने और बचे हैं जो रिकॉर्ड होना है, उसके बाद हम लोग शूटिंग की तैयारी करेंगे। और क्या जोन की फिल्म होगी ये? अगर आप जोन की बात करते हैं तो जो आजकल जो सिनेमा चल रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सिनेमा बनाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जैसा टाइटल है दुल्हन, तो हम नारी सशक्तिकरण को लेकर ये फिल्म है और इसमें जो है
इसके राइटर मनोज पांडे जी हैं और बहुत ही खूबसूरत उन्होंने लिखा है। स्क्रीन प्ले भी बहुत अच्छा है। मैंने हम लोग 2.5 से 3 महीना पहले से इस पर काम कर रहे हैं और ये बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। आपको हम अलग से सुनाएंगे। बात करते कास्ट का, स्टार कास्ट एक बहुत बड़ी आज के स्टार कास्ट में देखिए यामिनी सिंह जी को और काजल यादव जी को, इन दोनों में से किसी एक को फाइनल किया जाना है। जो दोनों से वार्तालाप चल रहा है लगभग यामिनी जी का फाइनल हो चुका है, लेकिन अभी फाइनली मोहर नहीं लगा इसलिए कहना उचित नहीं है। बट हमारे साथ यामिनी सिंह हैं और अभी हीरो में जो है आदित्य मोहन जी, सैफ कबीरा और विलन्स में शहबाज खान साहब से कल हमारी मुलाकात हुई थी सब्जेक्ट को लेकर इस फिल्म को। उनको मैंने सुनाया है और बहुत ही वो उनको अच्छा लगा है, वो काम करने के लिए तैयार हैं। बाकी जो फाइनल हो चुके हैं संजय पांडे जी हैं, अयाज हैं, सी पी भट्ट जी हैं और तमाम माया यादव जी हैं। लोकेशन की बात करते कहाँ पर शूट करेंगे हम लोग? लखनऊ के आसपास और लखनऊ में ही शूट करेंगे और हो सकता है पूर्वांचल क्षेत्र में बलिया और गाजीपुर में भी शूट करें। इसके अलावा प्रोजेक्ट की बात करना चाह रहे हैं कि आप इसके अलावा और क्या कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं? इसके अलावा तमाम प्रोजेक्ट, एक हिंदी फिल्म भी कर रहा हूँ, ऐसे संगीतकार तो तमाम फिल्में किया हूँ। अभी भी 2-3 फिल्में हमारी चल रही हैं और बॉलीवुड की एक फिल्म है मोहन जी की, उनका काम कर रहा हूँ। म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उसके अलावा मैं चाहूँ कि आप भी गाना गुनगुना के सुनाइए। आज जो रिकॉर्ड हो रहा है इस गाने के अलावा और कोई गाना आपको सुना देता हूँ, बिकॉज वो मेरा जॉनर नहीं है तो जॉनर का है। और इस भी इसमें गाने हैं, एक इसमें गीत है, ऐ चांद जाके छुप जाओ, ऐ चांद जाके छुप जा कहीं आसमां के पार, उगल बा घूंघटा में चांद, आए हाय उगल बा घूंघटा में चांद। जी जी, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया।